श्रावण मास में शिवरात्रि और फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। होली के पहले फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। 8 मार्च शुक्रवार 2024 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप आजमा सकते हैं यहाँ प्रस्तुत 5 अचूक उपाय। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बिल्व पत्र, समी के पत्ते और धतूरे के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। इस दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी होंगी। समी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूलों से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीष मिलता है। दोस्तों, दूसरा उपाय है, महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय है, शिवरात्रि के दिन गरीबों असहाय व्यक्तियों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न एवं धन की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। चौथा उपाय है, शिवरात्रि के दिन आटे से 21 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, आपको भगवान शिव की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, पांचवा व आखिरी उपाय है, शिवरात्रि पर नंदी जी यानी कि जो बैल होता है उसको हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियां कम होंगी। तो दोस्तों मित्रों, यह थी जानकारी महाशिवरात्रि के दिन करने वाले 5 अचूक उपायों के बारे में। आशा करता हूं आपको पसंद जरूर आई होगी। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, चाहे तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी करें। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।